गोरखपुर में औद्योगिक विकास निवेश के माहौल और ओडीओपी में शामिल पारंपरिक टेराकोटा शिल्प को उद्योग के रूप में तब्दील होने की प्रक्रिया देखने आए यूनाइटेड किंगडम यूकी के ट्रेड कमिश्नर फॉर साउथ एशिया एलन जेमेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शिता के मुरीद बन गए। टेराकोटा गाँव औरंगाबाद पहुंचकर एलन ने टेराकोटा उत्पाद बनने की पूरी प्रक्रिया को देखने और खुद चाक पर हाथ आजमाने के बाद कहा कि ओडीओपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई अहम योजना है। उन्होंने उम्मीद जताई जल्द ही यूके के साथ टेराकोटा उत्पादों का कारोबार शुरू किया जाएगा। यूके के इस राजनयिक ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से गोरखपुर में अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट हुआ है। ब्रिटिश काउंसिल इन इंडिया के डायरेक्टर रह चुके एलन जेमेल वर्तमान में ब्रिटिश शासन की तरफ से साउथ एशिया में ट्रेड कमिश्नर और ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर फॉर वेस्टर्न इंडिया की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम और एशिया के बीच निवेश संबंधों को मजबूत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने गोरखपुर में औद्योगिक विकास निवेश का माहौल देखने के साथ एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी में शामिल टेराकोटा शिल्प का क्लस्टर देखने की इच्छा जताई थी। इस सिलसिले में सोमवार को वह टेराकोटा गांव के रूप में मशहूर औरंगाबाद पहुंचे। औरंगाबाद में एलन ने 3 टेराकोटा शिल्पकारों पन्नेलाल प्रजापति, राममिलन प्रजापति और अखिलेश चंद्र प्रजापति के घर जाकर टेराकोटा के उत्पादों के बनने की पूरी प्रक्रिया समझी। पन्नेलाल के यहाँ चाक पर हाथ आजमाते हुए उन्होंने खुद दिया बनाया। इस दौरान उनके यह कहने पर कि पन्नेलाल आज से मेरे गुरु हो गए, सभी शिल्पकार प्रफुल्लित नजर आए। राममिलन प्रजापति के घर उन्हें व उनके पिता भोला को गणेश जी की प्रतिमा बनाते देख एलन ने कहा कि यूके में उनके यहाँ भी गणेश जी की प्रतिमा है, लेकिन इतनी खूबसूरत नहीं जितने ये लोग बना रहे हैं। टेराकोटा शिल्प के उत्पादों के बनने की प्रक्रिया देखने और समझने के दौरान एलन के करीब 2 घंटे का वक्त औरंगाबाद में बिताया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुक्त कंठ से तारीफ की। उन्होंने कहा कि ओडीओपी सीएम योगी की अहम योजना और शिल्पकारों को उद्यमी बनाने के लिए उनकी दूरदर्शिता का परिचायक है। ओडीओपी में शामिल होने से टेराकोटा शिल्पकारों की जिंदगी ही बदल गई है। एलन ने कहा कि उन्हें गोरखपुर में काफी डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट हुआ नजर आया, यह सब सीएम योगी की ही वजह से शुरू हुआ है। शिल्पकारों से बातचीत करते हुए यूके के राजनयिक एलन जेमेल ने कहा कि आपके टेराकोटा प्रोडक्ट इतने नायाब और खूबसूरत हैं कि सब कुछ खरीद लेने का मन करता है। इस खूबसूरत टेराकोटा से यूनाइटेड किंगडम के लोगों को भी रूबरू कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें आज यहां आकर पूरी उम्मीद है कि जल्द ही यूके यहां से टेराकोटा का कारोबार करेगा। पहली बार गोरखपुर आए यूके के ट्रेड कमिश्नर फॉर साउथ एशिया एलन जेमेल ने औरंगाबाद में टेराकोटा शिल्पकारों से हिंदी में बातचीत कर उनका दिल जीत लिया। वह शिल्पकारों के घर उनसे इत्मीनान से हिंदी में बात कर टेराकोटा की खूबियां समझते रहे। इस दौरान तीनों शिल्पकारों ने उन्हें टेराकोटा उत्पाद उपहार स्वरूप दिए। यहां पहुंचने पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसजीएम सदर कुलदीप मीणा और उद्योग उपायुक्त रवि कुमार शर्मा ने उनकी आगवानी की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसजीएम सदर कुलदीप मीणा और यूनाइटेड किंगडम यूके के ट्रेड कमिश्नर फॉर साउथ एशिया एलन जेमेल ने कहा देख रहा हूँ तो सुंदर सर दैट इज इट्स आर ऑनर सर दिस इज ऑल मन ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सर आप देखिए एक पीस तो बनाते नहीं ना, हम लोग बनाते हैं तो 6-12 करके बनाते हैं, 2-3 दिन लगता है बनाने में। पूरा फैमिली फाइनल करके सर, तो अकेले नहीं बनाते ना, पूरा फैमिली है ना। सात दिन में सर 6-12 काम के बारे में सिलेक्शन बन रहा है। सिलेक्शन यूके से इंडिया तक हम दोनों देश बहुत अहम दुनिया में है। मुझे आशा है कि हम दोनों प्राइम मिनिस्टर्स और कनेक्शन बन रहे हैं। एलन जेमेल में ब्रिटिश ट्रेड कमिश्नर
हूँ. आज मेरा पहली विजिट गोरखपुर में है. मैं अभी ये इस आर्टिजन्स देखा के लिए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का प्रोग्राम ODOP है बहुत अहम है, बहुत अहम ये आर्टिजन्स के लिए, इस डिस्ट्रिक्ट के लिए, गोरखपुर के लिए. मुझे आशा है कि ODOP नौकरियां बढ़ेंगे, विकास होगा भी, और मुझे आशा है कि इस प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स मेरा देश, मेरे देश मिलेंगे. धन्यवाद. आज UK के ट्रेड कमिश्नर एलन जमिल सर हमारे यहाँ औरंगाबाद में आए. वहाँ पे उन्होंने सभी आर्टिजन्स के द्वारा टेराकोटा वर्क जो किया गया है उसको काफ़ी सराहा, और साथ ही उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की कि जो ई कॉमर्स कंपनी की सप्लाई चेन है उनसे इनके प्रोडक्ट्स को लिंक करा दिया जाए, ताकि इनकी जो आमदनी है, जो प्राइस पॉइंट है जिस पर ये लोग अभी बेच रहे हैं, उससे 4-5 गुना ज़्यादा आए इन जितने भी आर्टिजन से इनके द्वारा हो सके. साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इन सभी प्रोडक्ट्स की उनके देश में काफ़ी डिमांड है, और वो कोशिश करेंगे कि इनका एक्सपोर्ट भी UK में किया जा सके. Yes, so the other reason for my visit is to see how the UK and Uttar Pradesh and the UK and Gorakhpur can do more together in business and in trade. And I was very, very happy to see the ODOP program, an initiative and idea of Honorable Chief Minister. I was very pleased to see the ODOP program terracotta workshop today, and I'm excited that those artisans may find ways to sell their products across all of India and export to countries like mine. What do you like there? Well, I liked the incredible craftsmanship. I saw brilliant artisans. I was a student there. I was given a pottery lesson by a craftsman and an award winner there, and I hope to see more exchanges like that between our countries. Our prime ministers have met very recently to talk about the UK-India trade relationship, and we hope to double trade between our countries, and that will be good for artisans like we met today. We hope to have a free trade agreement between our countries that will help double trade, and I hope that that will provide benefits for businesses here in Gorakhpur and here in Uttar Pradesh. Thank you.